तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर छुट्टा जानवरों को लेकर तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष पवन शुक्ला की अगुवाई में किसान यूनियन और समाज सेवियों ने 6 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और छुट्टा जानवरों से निजात दिलाने की मांग की। बता दें, छुट्टा जानवरों से किसान परेशान है। दिन रात मेहनत करके फसल उगाई जाती है, जिसे अन्ना पशु मिनटों में समाप्त कर देते हैं। प्रशासन द्वारा तहसील क्षेत्र में गौ आश्रय स्थल बनाए गए, लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है। इस खबर में बस इतना ही। 7 गौशालाएं जो है इस समय ऑपरेटिव है, जो काम जिनमें की जानवर छोटा जानवर रखा जा रहा है। इसके अलावा करीब प्रत्येक ब्लॉक में करीब 6 से 7 पश्चर भूमियों का खलिहान और पश्चर भूमियों का सीमांकन हो चुका है और जिनमें की गौशाला बनने की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एकदम समाधान संभव नहीं है। और साथ ही साथ हमने उन्हीं लोगों से, जो जिन लोगों के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त हुआ था, उन्हीं से ये भी कहा गया कि जो छुट्टा जानवर छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए, ताकि इस समस्या में कुछ समाधान हो सके। तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अब ये निगरानी रखी जाएगी कि जो भी लोग इस तरीके से जानवर को खुला छोड़ दें, उनके खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे और कार्रवाई कराएंगे। और शासन प्रशासन जो है इनकी समस्याओं से अवगत है और नियमानुसार और बहुत जल्दी ही इसमें हम सकारात्मक कार्य करेंगे।